हेलो गाइस, दिस साइड डॉक्टर यशु भारद्वाज। हमारी एक डर्माटोलॉजी लेक्चर की एक सीरीज़ चल रही है ना। अभी तक हमने काफ़ी लेक्चर पढ़ लिए हैं। आज हम बात करेंगे अर्टिक्रिया के बारे में, जिसको हम आम भाषा में पित्त उछलना कहते हैं, शीत पित्त कहते हैं, है ना। चकते से पड़ जाना शरीर पे, वो भी कहते हैं। हमारी स्किन की दो लेयर होती हैं, डर्मिस और एपिडर्मिस। जो अर्टिक्रिया है वो डर्मिस लेयर में होती है ना। अर्टिक्रिया क्या होता है, कारण क्या होते हैं, सिम्टम क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, ये हम इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आइए उन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। इट इज़ अ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ऑफ स्किन, है ना। ये एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है स्किन की, है ना। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये एक इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन है। इची स्वेलिंग ऑफ स्किन, है ना, स्किन में स्वेलिंग हो जाती है, इचीनेस होती है, रेडनेस देखने को मिलती है, और स्किन में ये पहिए से देखने को भी मिलते हैं, गोल गोल पहिए देखने को मिल रहे हैं, है ना। इसलिए हम इसको व्हील्स कहते हैं, हाइव्स कहते हैं, और स्किन की इन्फ्लामेशन होती है तो हम अर्टिक्रिया भी कहते हैं। इसकी अपीयरेंस की बात करें तो वेल डिफाइंड बॉर्डर हैं इसके, इची पेशेंट में रहती है, रेड कलर के लीजन हैं जो 24 घंटे के अंदर अंदर कम भी हो जाते हैं। फीचर्स की देखें तो शार्प बॉर्डर हैं। अब बात करें इसके कारण की, तो इसके कारण क्या होते हैं। इसके सबसे पहले कारण है, कोई हमने मेडिकेशन ली, सनलाइट एक्सपोजर हुआ, पोलन एलर्जी है किसी को, सडन एक्सपोजर है हीट टू कोल्ड, है ना, और इडियोपैथिक कॉजेज भी इसके रहते हैं। हमारी 100 में से 20% पीपल में हमें ये अर्टिक्रिया देखने को मिलता है ना। किसी को सिंगल एपिसोड भी आते हैं, किसी को बार बार भी होने लगता है। ये चार्ट देखें तो इसके कॉज हमें पता चल रहे हैं, ड्रग एलर्जी है, फूड एलर्जी है, या अदर टाइप ऑफ एलर्जी है, हीट कोल्ड एक्सपोजर है, है ना। अब बात करें अर्टिक्रिया में, ये देखिए, इट इज़ ए ओनली स्किन प्रॉब्लम, नॉट सिस्टमिक प्रॉब्लम। यह एक स्किन प्रॉब्लम है, कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम नहीं है, है ना। इसमें आपका कोई लीवर वगैरह या लंग्स वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होते हैं, सिस्टमिक प्रॉब्लम नहीं है, स्किन प्रॉब्लम है। स्किन का इन्वॉल्वमेंट ही रहता है इसमें मोस्टली। रेड इची, रेड कलर, इचीनेस, रेज रैशेस, है ना, बॉर्डर से बन जाते हैं आपकी स्किन में, आर सीन इन स्किन, मोस्टली सीन इन एक्सट्रीमिटीज़ एंड एक्सपोजर एरिया, जो आपकी एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनमें, और जो आपका एक्सपोज एरिया है, जैसे फेस, नेक हो गया, ट्रंक हो गया, है ना, ये एरिया आपका एक्सपोज रहता है, तो उस एरिया में ये अर्टिक एरिया हमें देखने को मिलता है ना। मोस्टली जो एज होती है वो 20 से 40 ईयर्स